What's up guys, this is Nanish and welcome back to my channel NM Food Science. आज आपके साथ एक बहुत ही amazing, nutritious and delicious देसी meal plan share meal idea share करने जा रहा हूँ. Chicken pasta जिसमें काफी अच्छी amount में आपको fiber मिलेगा, protein high रहेगा, carbs काफी ही minimal से amount में रहेंगे, काफी high नहीं है, जो आपके muscle gain के लिए, आपके fat loss के goals के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट है. ये पास्ता काफी हेल्दी होने वाला है, काफी देसी स्टाइल में होने वाला है. तो अगर आप एक देसी पर्सन है, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली सप्लीमेंट्स नहीं अलाउ करती, फैमिली काफी सारे जो आउट ऑफ द वे मील्स होते हैं ऐसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर फैमिली में एज अ ग्रुप एज अ सोशलाइज आप कंज्यूम नहीं कर सकते, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. तो इसके लिए गाइस हमने लिए हैं अनियन, टमाटोज, लेमन लिए हैं विटामिन सी के लिए, थोड़ी सी हमने कैप्सिकम लिए ताकि आपकी विटामिन सी की इंटेक को पूरी करा जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने लिए हैं मशरूम एंड थोड़े से हम यूज करेंगे मटर. तो गाइस इस रेसिपी के लिए हमने ऑलमोस्ट हाफ केजी चिकन यूज कर रहे हैं, चिकन ब्रेस्ट यूज कर रहे हैं, आप चिकन थाई यूज कर सकते हैं, इट इज रियली अप टू यू. तो गाइस चलिए क्विकली स्टार्ट, काफी फाइनली डाइस करेंगे. रेसिपी आपके लिए एक लाइफ सेवियर होने वाली है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो बैचलर्स हैं, जो मसल गेन करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, एंड देसी लोग हैं, जो मेरे जैसे देसी लोग हैं, उनके लिए काफी अमेजिंग होने वाली है. तो हम अनियंस को चॉप करके साइड पर रख लेंगे, स्लाइस कर लीजिए, इट इज इंटायरली अप टू यू. एंड यहां पे हम चिकन ब्रेस्ट को यूज करेंगे. इसको यूज करने से पहले थोड़ा सा इसको वॉश करते हैं. तो गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट टमाटोस को स्लाइस करना है, हाफ कट करना है, इट्स इंटायरली अप टू यू, क्योंकि एट द एंड हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि पास्ता में जो है इसका स्मूथ टेक्सचर आए, इसको ब्लेंड कर लेंगे. तो इस चिकन को डाइस करते हैं. यहाँ पे जो डाइस चिकन है इसको एक बाउल में लेंगे. मेक श्योर कि आपका जो चिकन है उसको आप अच्छे तरह से वॉश करें. चिकन में हम ऑलमोस्ट 2 चम्मच दही डालेंगे, इसको डीनेचर करने के लिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, थोड़ा सा इसमें डालना है स्कॉर्बिक एसिड. साइंस की बात कम करते हैं, इसमें डाल रहे हैं लेमन. प्रोटीन को डीनेचर करना बहुत ही जरूरी है सो दैट उसकी अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में प्रॉपर हो. आप 2 छोटे लेमन यूज कर सकते हैं, लेमन जूस का यूज कर सकते हैं, और आइदर आप बड़ा लेमन यूज कर सकते हैं, इट इज एंटायरली अप टू यू. यहाँ पे स्पाइसेस जो थे वो मैंने ऑलरेडी वेप कर लिए थे. इसमें ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट यूज किया है, 1 टेबल स्पून मैंने यूज करा है क्यूमिन पाउडर को, 1/2 टेबल स्पून मैंने यूज करी है कश्मीरी मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून यूज करी है हल्दी. इन स्पाइसेस को मिक्स करेंगे. मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर वे में मिक्स करें. एंड लेट इट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट इनको रेस्ट दें. Now come to step 2. अब हमें कुक करना है पास्ता. 4 लोगों के लिए सर्विंग होने वाली है, इसमें मैं ऑलमोस्ट 400 ग्राम पास्ता डाल रहा हूँ. Now इस सारे पास्ता में है 140 ग्राम कार्ब, ये होने वाले हैं 4 सर्विंग्स. पर सर्विंग इसमें से मिलेंगे हमें 35 ग्राम कार्ब. मशरूम गाइस आपको पता है विटामिन डी का भरपूर सोर्स है. विटामिन डी बॉडी में अच्छे से जाएगा तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, काफी सारे
हार्मोन्स बॉडी में प्रॉपरली वर्क करेंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, काफी सारे अदर जो हार्मोन्स है बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। विटामिन डी जो एक स्टेरॉल है बॉडी में बहुत ही जरूरत है, स्टेरॉल भी है और विटामिन भी है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं मशरूम। को फाइनली स्लाइस करते हैं। वेजिस में लिए हैं कैप्सिकम, मशरूम लिए हैं, मटर लिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है कॉर्न्स की, आप कॉर्न यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो आपको पसंद है आपके पास था में, इट्स एंटायरली अप टू यू। तो गाइस यहां पे हमने पैन को हीट किया है, इसमें हम ऑयल यूज करेंगे। नाउ दिस इज रैपसीड ऑयल, आपको ऑयल एक अच्छी क्वालिटी का यूज करना है। ऑयल हमने हार्डली हाफ टेबल स्पून यूज किया है। इसमें हम डालेंगे अनियन, इनको सोते करेंगे। तो गाइस जब आपके अनियन एंड टोमेटोज जो है वो अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएंगे, इनको हम करेंगे ब्लेंड। इसको हम ब्लेंड करेंगे, के बाद हम थोड़े से ऑयल में जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसको कुक करने वाले हैं। इसमें हम अपना जितना भी मैरिनेटेड चिकन है उसको कुक करेंगे। मेक श्योर कि आप ऑयल कम यूज करें, अगर आप ऑयल काफी ज्यादा यूज करेंगे तो दैट्स नॉट गोना मेक मच सेंस। हम बात कर रहे हैं डिलीशियस की और न्यूट्रिशियस की। खाना डिलीशियस तो होना चाहिए, उसके साथ न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होने वाला है, जो हमने अनियंस एंड टमाटर की जो पेस्ट ब्लेंड करी थी उसको मिक्स करते हैं। Let it cook for 5 minutes. इसको 4 से 5 मिनट कुक करते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा लिक्विडी पार्ट है वो निकल जाए, एक्स्ट्रा लिक्विड जो पानी है वो थोड़ा इवेपोरेट हो जाए। लेटर ऑन जो वेजिज है हमारी, मशरूम, पीस, कैप्सिकम, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस। आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, बट मेक श्योर कि वेजिटेबल की अमाउंट अच्छी होनी चाहिए। पास्ता को हेल्दी करने का ट्रिक ही यही है। ट्रेडिशनल पास्ता में आई नो देयर इज वेरी लेस वेजेस, बट अगर आपको पास्ता को एक हेल्दी वे में बनाना है तो गाइस ऐड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। पास्ता की कमी क्या है? सिंपल कार्ब को हेल्दी कैसे बनाना है? ऐड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर डालें तो इट विल बी रियली रियली हेल्दी। का जो न्यूट्रिशन कंटेंट है काफी ज्यादा लूज होगा। जो वेजेस है, चिकन हमने कुक कर लिया है, अब टाइम है पास्ता को मिक्स करने का। पास्ता, मैक्रोनी, व्हाटएवर यू वांट टू से, इसको हमने कुक करा, ड्रेन करा, अब टाइम है इसको मिक्स करने का। तो गाइस इस पास्ते में आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड इसमें हार्डली 35-40 ग्राम्स कार्ब्स है। फैट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3-4 ग्राम फैट रहेगी, जो कि हमें मिलेगी 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल से।
ये पास्ता आपके फैट लॉस, आपके मसल गेन दोनों ही गोल्स के लिए काफी ही अमेजिंग है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आप इस पास्ते को, एक देसी स्टाइल पास्ते को घर में ट्राई करेंगे एंड आप इसको एंजॉय करेंगे एंड आपके गोल्स में ये हेल्प करेगा। एंड आई होप यू गाइस गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, ओवर एंड आउट।